कि उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है तो हम सबको पता होना चाहिए कि उसका स्कूल ऑफ थॉट यही पीर फकीर है ठीक है ज्यादातर पाकिस्तान को वैसे भी नहीं पता उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है उसको अपना फिरका नहीं पता ठीक है सो ये बस कॉमन सेंस की बातें याद रखिएगा जिसको नहीं पता पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जिसको पाकिस्तान में नहीं पता उसका फिरका क्या है तो उसका फिर ब्रेलविज्म है ये तो हम ये रूल ऑफ काम तो सबको पता है ना और जिसको स्कूल ऑफ थॉट नहीं पता तो बस वो यही स्कूल ऑफ थॉट है तो ज़्यादातर मुल्क तो ऐसा ही है हमारा तो आपको पहली दफ़ा शायद समझ आई है कि आपकी उम्र इतनी है कि आपको पहला एक्सपीरियंस हुआ है तो वरना हर पाकिस्तानी को ये एक्सपीरियंस अपने मोहल्ले में हो चुका है सो so, ददरीज के साथ आ, उन लोगों को बचाएं जब बीमारी फैल जाती है तो सबसे पहले उन लोगों को क्वारंटीन किया जाता है जो बीमार नहीं होते ठीक है सो दैट्स अ सिंपल स्ट्रैटी उसके बाद जब वो क्वारंटीन हो जाते हैं तो फिर उनसे बात की जाती है जो उनको फिर उनका इलाज शुरू किया जाता है जो बीमार है सो so, अभी तो जो जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर मेहनत करें साथ साथ और जो लोग इस इस तरह की रखते शुरू कर देते हैं खुद ही या फिर इस तरह के मामला हो जाते हैं उनके साथ तो उनके साथ पे दावत और तबलीगी कर सकते हैं आप और तो कुछ भी नहीं कर सकते रीजनिंग तो वो सुनते नहीं है तो जस्ट हिकमत के साथ मतलब इमोशनल अपील इमोशनल एंड रैशनल इकट्ठा करके टाइम करें अपने आप को बस ऐसा किन्दू हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे ये, ये दिस मतलब ये काम ना होना इस तरह के वाकयात ना होना कौन वी बात है इस तरह के वाकयात होना तो बस यही पिछली नस्लों के सम्राट हैं हमारे ऊपर जो आ रहे हैं बस के बस कभी भी कभी, को, कोई भी बगैर बगैर किसी वजह के कुछ भी हो सकता है और वो भी इस्लाम के नाम वो भी इस्लाम के की डेफिनेशन इस तरीके से जा रही है सो so, आप इसको लिटमस टेस्ट कर लें मोहल्ले के पचास बंदों को और पचास औरतों को बताएं ये वाक़ हुआ है उनमें से पैंतीस पैंतीस बंदे चले जाएंगे अपनी मुरादे मनवाने उससे जैसा सो इस नारा जैसा और यू किारंटीन करें उन लोगों को जो आपके देर असर हैं और छोटे हैं अभी बच्चे बच्चियाँ हैं उनको बताएंगे ऐसे अल्लाह उसके रसूल ने और कुरान ने किस तरीके से इस्लाम को इस्टेबलिश करने के लिए हमें बताया इस तरह की हरकतें करने से इस्लाम से बदनाम ही हो सकता है और कुछ नहीं तो टू प्रॉन्ग स्टडी क्वारंटीन द पीपल हु आर नॉट अफेक्टेड एंड यू नो डायलॉग विद द पीपल हु आर अफेक्टेड तकलीफ दे हमारा है मगर बस यही है बस इसीलिए तो मैं कोसता हूँ पिछली नस्लों को मतलब अगर साइंस के नाम पे दो नंबरी करते तो मैं समझ सकता था कि चलो कोई बात नहीं कोई वॉशिंग मशीन खराब बना लेंगे या कोई सड़कें खराब बना लेंगे इन्होंने तो आखिरत खराब कर दी अपनी इस्लाम के नाम पे दो नंबर